Hello everyone, welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. This is a special lecture series on Chief Ministers of Madhya Pradesh. This is part 2 of the series. Part 1 में हमने पंडित रविशंकर शुक्ल और भगवंत राव मंडलोई के कार्यकाल के बारे में चर्चा की थी और इस पार्ट में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के एक और चीफ मिनिस्टर जिनका नाम था डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू, उनके टर्म, उनके पॉलिटिकल करियर, उनके लाइफ एंड वर्क्स के बारे में. सो बिफोर वी प्रोसीड, व्हाई डोंट यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैवंट यट. डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू देश के एक जाने माने वकील थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक बड़े लीडर थे जिनका फ्रीडम मूवमेंट में भी काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा. 1933 में मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस के जो आरोपी थे, जो अक्यूज थे, उनको डॉक्टर काटजू ने डिफेंड किया था. और 1945-46 में जो इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स थे, जिन्हें हम रेड फोर्ट ट्रायल के नाम से भी जानते हैं, उन केसेस में भी डॉक्टर काटजू ने डिफेंड किया था. ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है हिस्ट्री में, एमपी की जीके में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमपी के ऐसे कौन से चीफ मिनिस्टर थे जिनका आईएनए ट्रायल्स में भी कॉन्ट्रीब्यूशन था. तो ये थे डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू के कुछ हिस्टोरिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस. 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और 1937 में इलेक्शंस हुए, चुनाव हुए, और ब्रिटिश इंडिया में कांग्रेस ने एक तरह से क्लीन स्वीप जैसी कर दी. कई राज्यों में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी. यूनाइटेड प्रोविंस, जो कि आज का उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर भी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी और चीफ मिनिस्टर बने गोविंद बल्लभ पंत. गोविंद बल्लभ पंत अपनी कैबिनेट में डॉक्टर काटजू को एज अ लॉ मिनिस्टर लेना चाहते थे और डॉक्टर काटजू पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते थे. उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उनकी वकालत बहुत शानदार चल रही थी, खूब पैसा वो कमाते थे वकालत से. तो उनका ये मानना था कि यदि मैं पॉलिटिक्स में आ गया तो लोग मुझ पर ये आरोप लगाएंगे कि वकील साहब ने राजनीति में आकर खूब पैसा कमाया है. लेकिन फिर राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बहुत मनाने पर डॉक्टर काटजू फाइनली गोविंद बल्लभ पंत की कैबिनेट में लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर बने. ऑलराइट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर रहे डॉक्टर काटजू. गजब की प्रोफाइल, गजब का करियर था, है ना. उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस दौरान वे उड़ीसा के गवर्नर के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ उड़ीसा, और उसका सही जवाब होगा डॉक्टर काटजू. ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा. और उड़ीसा के अलावा डॉक्टर काटजू ने वेस्ट बंगाल के गवर्नर के रूप में भी अपनी सेवाएँ दी थी. ठीक है, 1951 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुका था, इफेक्ट में आ चुका था, उसके बाद जो पहली कैबिनेट हमारे पंडित नेहरू जी ने बनाई, उस कैबिनेट को भी डॉक्टर काटजू ने ज्वाइन किया एज अ लॉ मिनिस्टर, क्योंकि जाहिर सी बात है उस समय पर वो जाने माने या कह सकते हैं भारत के सबसे बड़े वकीलों में से एक थे. इसलिए पंडित नेहरू ने उनको लॉ मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया. और उसके बाद दो बड़े ही महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोज भी डॉक्टर काटजू ने हेल्ड किए. पहला था होम मिनिस्टर और दूसरा था डिफेंस मिनिस्टर. आप जानते ही हैं ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स माने जाते हैं, नंबर 2, नंबर 3 जैसा इन्हें माना जाता है. तो इससे आप ये बात भली भांति समझ रहे होंगे कि पंडित नेहरू के बहुत खास व्यक्ति थे डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं डॉक्टर काटजू के एमपी कनेक्शन से. ठीक है, तो 1957 में पंडित नेहरू ने डॉक्टर काटजू को एमपी की पॉलिटिक्स में एक्टिव होने के लिए कहा. ठीक है, तो 31 जनवरी 1957 को डॉक्टर काटजू बने एमपी के चीफ मिनिस्टर. आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि पंडित रविशंकर शुक्ल की डेथ के बाद बीआर मंडलोई को कुछ टाइम के लिए सीएम बना दिया गया था. उसके बाद डॉक्टर काटजू को भेजा गया. ठीक है, तो डॉक्टर काटजू फिर एमपी आते हैं, चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं. और जब वे चीफ मिनिस्टर बनते हैं, उसी के बाद एमपी में इलेक्शंस होते हैं डॉक्टर काटजू की लीडरशिप में. कांग्रेस पार्टी ऑब्वियस है कि जीत जाती है और डॉक्टर काटजू पहले इलेक्टेड सीएम बनते हैं. ध्यान दीजिएगा इस फ्रेज पर,
इलेक्टेड सीएम। यदि पूछा जाता कि पहले सीएम कौन थे एमपी के, तो ऑफकोर्स वो पंडित रविशंकर शुक्ल थे, लेकिन पहले इलेक्टेड सीएम कौन थे, तो वो थे डॉक्टर काटजू। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपके लिए पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है, वो ये है कि 5 साल का टर्म कंप्लीट करने वाले भी पहले चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर काटजू, क्योंकि आप जानते हो रविशंकर शुक्ल सिर्फ 2 महीने सीएम रहे, उसके बाद उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, और बीआर मंडलोई भी कुछ टाइम तक सीएम रहे और उसके बाद उनको जाना पड़ा, है ना। तो 5 साल का टर्म पूरा करने वाले भी पहले सीएम कौन थे, कैलाशनाथ काटजू, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैसा इनका टेन्योर था, इसको जानने के लिए मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। डॉक्टर काटजू को लोग प्यार से चंबल बाबू के नाम से भी जानते थे। क्यों चंबल बाबू के नाम से जानते थे, इसकी वजह है मंदसौर ज़िला जो है, मंदसौर ज़िले के आसपास पानी का बड़ा संकट था, हालांकि चंबल नदी वहाँ से बहती थी। प्लानिंग कमीशन ने एक डैम अप्रूव कर दिया था चंबल नदी पर बनाने के लिए, जिसका नाम था गांधी सागर डैम, लेकिन उस डैम को बनाने के लिए जो फंड था वो रिलीज नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर काटजू लगातार प्रयास कर रहे थे यूनियन गवर्नमेंट वो पैसा रिलीज कर दे, लेकिन वो पैसा कुछ कारणों से नहीं रिलीज हो पा रहा था। तो डॉक्टर काटजू जनता के पास गए और क्रू फंडिंग से, पब्लिक फंडिंग से पूरे प्रोजेक्ट का जो टोटल अमाउंट होना था उसका 25% 25% जनता से फंड उन्होंने रेज कर लिया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन गवर्नेंस का एक क्लासिक एग्जांपल था ये, और इसकी वजह से उन्हें चंबल बाबू के नाम से जाना जाने लगा। तो हो सकता है ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके। और MPPSC में एक और बड़ी खास चीज़ है, बुक्स और ऑथर्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो डॉक्टर काटजू की बुक से भी शायद एक क्वेश्चन बन सकता है। उन्हें कई सारी किताबें लिखी थी लीगल प्रैक्टिस, लीगल प्रोफेशन एक्सेट्रा पर, और लॉ की भी कई सारी किताबें लिखी। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट उनकी एक बुक थी एक्सपेरिमेंट इन एडवोकेसी अ कोलेसिस इन द कोर्ट्स ऑफ जस्टिस। इस किताब का नाम आप याद रखिएगा, जो कि डॉक्टर काटजू की किताब थी, ठीक है। ये एक छोटा सा ब्रीफ समरी थी डॉक्टर काटजू के बारे में, है ना। और 5 साल का टर्म पूरा करने के बाद जब फिर से इलेक्शन हुए, तब डॉक्टर काटजू विधानसभा का चुनाव हार गए, अपनी विधानसभा के। कांग्रेस तो जीत गई, लेकिन डॉक्टर काटजू चुनाव हार गए, सो वे दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और हम कह सकते हैं कि उसी के साथ डॉक्टर काटजू का पॉलिटिकल करियर एक तरह से ख़त्म हो गया, ठीक है। सो ये हमारा एक पूरा डिस्कशन था एमपी के तीसरे चीफ मिनिस्टर, या हम दूसरी भाषा में कहें तो एमपी के पहले इलेक्टेड और पहले फुल टाइम चीफ मिनिस्टर डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू के बारे में। मैं समझता हूं कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत काम में आया होगा। इस तरह के और भी बहुत शानदार कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स को जानने समझने के लिए आप राउज एकेडमी में बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे बैचेस के एडमिशन सभी ओपन हैं, और 9 जुलाई से हमारे MPPSC के बैच की शुरुआत हो रही है। तो जल्दी कीजिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स हमारे पास हैं, है ना। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ इसको शेयर करें, अपने फीडबैक्स या डाउट्स कोई हो तो वो भी हमें कमेंट में बताएं, और राउज अकादमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करें, हैंडल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, और आप हमारे इंस्टीट्यूट को विजिट कर सकते हैं, क्वांटम बिल्डिंग R26 Zone 2 रेलवे ट्रैक के अपोजिट MP नगर भोपाल में। सो आई बिलीव एंड आई होप टू सी यू पीपल इन द इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस।